हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेविश किचन, डिलाइट इन एवरी बाइट। आज हम बनाने जा रहे हैं ठंड के मौसम में खाए जाने वाला मजेदार कुरकुरा स्नैक। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। एक बर्तन में 2 कप मैदा लेंगे, 4 बड़े चम्मच तेल, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच अजवाइन डाल के अच्छे से मिला लेंगे। आटे को मिलाएंगे जब तक ये ब्रेड क्रम जैसा लगने लगे या तब तक जब आटा ऐसे बंधने लगे। अब पानी डाल के सख्त आटा गूंध लेंगे। डो तैयार है, इसे ढक के 15 मिनट रख देंगे। पैन में 1 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे, मूंगफली डाल के फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच क्रश किए हुए धनिया और 1 चम्मच सौंफ डाल के मिलाएंगे। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भूनेंगे। 2 चम्मच सफेद तिल और किशमिश डाल के मिलाएंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल के मिलाएंगे। दो तीन कटी हुई हरी मिर्च डाल के मिला लेंगे। 1 कप उबली हुई हरी मटर डाल के मिलाएंगे। जायके मुताबिक नमक, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर डाल के मिलाएंगे। इसे मैश कर लेंगे। आधा चम्मच भुने जीरे का पाउडर और कटी हुए धनिया पत्ती डाल के मिला लेंगे। स्टफिंग तैयार है, इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। 15 मिनट बाद आटे को एक बार फिर गूंध लेंगे। आटे को इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। स्टफिंग ठंडी हो जाए तो इसे भी इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। लोई को बेल लेंगे। स्टफिंग रख के चारों तरफ से पकड़ के सील कर लेंगे, कुछ इस तरीके से। अगर आटा एक्स्ट्रा हो तो निकाल लेंगे और दबा के अच्छे से सील कर लेंगे। आप चाहे तो लोई बिना बेले भी घाटी बना सकती हैं। इस तरीके से लोई को फैला ले और स्टफिंग रख के सील कर लेंगे। इसी तरीके से सब घाटी तैयार कर लेंगे। तलने के लिए तेल गरम करेंगे। एक एक करके घाटी गरम तेल में डाल देंगे। इसे मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करेंगे। घाटी को पलट के दोनों तरफ से फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन और क्रिस्प नहीं हो जाती। घाटी फ्राई होने के बाद टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे।
अब हम हरी मिर्च को फ्राई कर लेंगे। घाटी के साथ सर्व करने के लिए मिर्च को धुल के पानी पोंछ लेंगे, उसके बाद इसे फ्राई करेंगे। इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे और नमक स्प्रिंकल कर लेंगे। प्लेटिंग टाइम। Enjoy. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe this channel and let me know how's the recipe in the comment section down below. अगर आपको इस रेसिपी को लेके कोई सवाल है या आप कोई सजेशन देना चाहती हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए।